युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 27 मार्च 2020 दिन शुक्रवार, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज तृतीया तिथि रात्रि 10:12 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, वो दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सबको प्रभावित करेंगी और आज आपके अंदर का कुशल वक्ता अपनी बातों से सबका मन मोह लेगा। आज आपका काम कोई भी नहीं काट पाएगा और आपके दिए हुए सुझावों पर सब लोग सहमत हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को आज कोई बड़ा क्लाइंट मिल सकता है जिससे उनकी चांदी हो जाएगी। आज हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है। आज रक्तचाप बढ़ने से आपको हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ सकती है। आज आपकी मुलाकात भी किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से हो सकती है और उनसे अच्छे संबंध बनाने से आगे चलकर आपके करियर में आपको फायदा हो सकता है। होटल मालिकों के लिए आज अपने गेस्ट के कंफर्ट पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आज आपके कस्टमर के अच्छे रिव्यूज से आपके होटल का बिजनेस बढ़ेगा। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनी शशि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज आप जिस भी काम को करने की ठानेंगे उसे आप अपने मेहनती स्वभाव और दृढ़ निश्चय से सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे, परंतु आज झूठी शान भगाने से समाज में आपकी इज्जत की मट्टी पलीद हो सकती है, इसलिए अपने मुंह या मिट्टू ना बने। आज किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पूर्व मंदिर जाकर मत्था टेकने से आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आज केले के पेड़ पर जल चढ़ाने से भी आपको बृहस्पति देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुला राशि वालों, अगर आपके प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी परेशानी उत्पन्न हो रही है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको
अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके सहकर्मी आपके कार्यों में अड़ंगे अड़ाने की कोशिश करते रहते हैं या आपके बॉस आपको अधिक डांट से फटकारते हैं और आपके कामों में हर समय गलतियां निकालते रहते हैं, तो आज इस उपाय को करने से आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और वे आपके लिए मुश्किल उत्पन्न करना बंद कर देंगे। आज आप उनको प्रभावित करने के लिए इस मंत्र का उपयोग करें। ओम ख ख ओम 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 ख ख। इस मंत्र को आप लाल चंदन से भोजपत्र पर लिखकर इस मंत्र से आप 108 बार इसका पूजन करें और उसके पश्चात इस भोजपत्र को अपनी जेब में रख लें, तो आपके बॉस और आपके सहकर्मी आपके कार्यों में रुकावट बनना छोड़ देंगे। आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। कहाँ से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरु जी के पास आए, गुरु रजनीश ऋषि जी के पास और गुरु मारुकमणि जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा और मैं 4-5 महीने से जुड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा भी लगा, मेरे सारे काम बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो ही रहा। आपको गुरु जी ने कितनी रिंग्स पहनाई? रिंग्स दिखाओ। चार रिंग है, मैं लगभग 7-8 स्टोन लिए हैं, एक गले का भी है और 4 अंगूठे हैं। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब बढ़िया लग रहा है। और 100% पॉजिटिव हूँ। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरुजी गुरुवा के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से तो एक बार गुरुजी से जरूर मिले और मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान जरूर होगा। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।